अब मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सूरह मायदा की वो आयत जिसके हवाले से इमाम बुखारी ने तवफ़ी के माने मौत के किए, वैस काल अल्लाह या ईसा इब्न मरियमा, और जब अल्लाह फरमाएगा ए मरियम के बेटे ईसा, अंत कुलता लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मिया इलाहैन मिन दूनिल्लाह, क्या तूने लोगों को कह दिया था कि मुझे और मेरी माँ को दो खुदा बना लो अल्लाह के सिवा, काला सुबहाना का, अर्ज करेगा पाकी है तुझे, मा यकूनु ली अन अकूला मा लैसा ली बिहा, मुझे रवा नहीं कि वो बात कहूँ जो मुझे नहीं पहुँचती, इन कुंतु कुल्तुहु फकद अलिमता, अगर मैंने ऐसा कहा हो तो जरूर तुझे मालूम होगा, तू जानता है, तालमु माफी नफसी वला आलमु माफी नफसी, तू जानता है जो मेरे जी में है और मैं नहीं जानता जो तेरे इल्म में है, इन्नक अंता अल्लामुल गुयूब, बेशक तू ही सब गैबों का खूब जानने वाला है, मा कुल्तु लहुम, मैंने तो इनसे ना कहा, इल्ला मा अमरतनी बिही, मगर वही जो तूने मुझे हुक्म दिया था, अनेबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, के अल्लाह को पूजो जो मेरा भी रब और तुम्हारा भी रब, वकुंतु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम, और मैं इन पर मुत्तले था जब तक मैं इनमें रहा, फलम्मा तवफ्फैतनी, अब अल्लामा ने यह माने की हैं जब तूने मुझे उठा लिया, तवफ्फी के माने जैसा कि हजरत मिर्ज़ा साहब ने चैलेंज किया कि अल्लाह ताला फाइल हो और ज़ीरो मफूल हो, तो माने सिवाय मौत के और कोई नहीं होते, और यहाँ यही सूरत हाल है कि अल्लाह ताला फाइल है, तवफ्फी कर रहे हजरत ईसा, और कुरान शरीफ में इसकी सराहत मौजूद है, हसर कर दिया कुरान शरीफ ने कि दो ही माने तवफ्फी के हो सकते हैं, अल्लाह यतवफ्फल अनफुस हीन मौतिहा सिवाय करीना इनाम के वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, अल्लाह तवफ्फी करता है नफूस की उनकी मौत के वक्त, साबित हुआ कि तवफ्फी नफूस की या मौत से होती है, वल्लती लम तमुत फी मनामिहा या नींद की सूरत में होती है, तीसरी कोई सूरत रफा इल्लाह की आसमान पर जाने की नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में या तो आप अकीदा रख सकते हैं कुरान की इस आयत की मौजूदगी में जो हसर कर दिया तवफ्फी के बारों को दो सूरतों में, कि या वो सोए हुए हैं या वो वफात पा रहे हैं, और ये अकीदा तो किसी का है नहीं कि वो सोए हुए हैं आज तक इल्ला माशाल्लाह। तो फरमाया वकुंतु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम, और मैं इन पर मुत्तले रहा जब तक मैं इनमें रहा, जब हमारे माना के लिहाज से मफहूम ये होगा जब तूने मेरी रूह कब्ज कर ली, और ये माने हमारे अलावा दीगर और उलमा ने भी किए, चुनाचे हजरत क्या वलीउल्लाह साहब का तर्जमा पड़ा हुआ है, उसमें उन्होंने ये माने किए जब तूने मेरी रूह कब्ज कर ली, क्योंकि हमारे एक दोस्त मुरीद के भी से भी आए हुए हैं, तो अहले हदीस का तर्जमा तवफ़ैतनी का कब्ज करने का खुद शाह साहब ने फरमाया हुआ, शाह रफीउद्दीन साहब, कुन तांतर रकीब अलैहिम, तो फिर तू ही उन पर निगाह रखता था, वांता अला कुल्ल शैइन शहीद, और तू हर चीज पर, हर चीज तेरे सामने हाजिर है। अब यहाँ दो जमाने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं, एक जमाना वो जब वो अपनी कौम पर निगरान थे, दूसरा जमाना वो जब वो अपनी कौम पर निगरान नहीं थे, दो जमाने दो दौर हैं, उनके दरमियान एक हद फासिल है जिसके जरिए से जुदाई होती है, वो जुदाई किस जरिए से होती है, वो तवफ़ी से हो रही, और जिक्र ये हो रहा है कि क्या तुमने कहा था कि ये जो इबादत कर रहे हैं ईसाई खुदा मानते हैं पूछते हैं, कि आपने कहा था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तो जब उनमें मौजूद रहा मैंने उन्हें ये तालीम नहीं दी, मेरी वफात के बाद अगर उन्होंने इस अकीदे को इख्तियार कर लिया तो मुझे तो इसका इल्म नहीं है, वो जो करते रहे वो उनका अपना मामला है, मैंने उन्हें हर चीज़ तालीम नहीं दी। फर्ज करें तवफ़ी के माने उठा लिया जैसे अल्लामा ने किया, एक लम्हे के लिए हम मान भी लें कबूल भी कर लें, तो नतीजा क्या निकला, फर्ज करो वो खुदा की हुज़ूर चले भी गए, आज उन्होंने दोबारा आना है, दुनिया में आएंगे देखेंगे एक दुनिया मुझे पूज रही है, दुनिया की अक्सरियत आबादी उनको खुदा मान रही है, क्या वो खुदा के हुज़ूर ये जवाब दे सकते हैं कि जब तूने मुझे वफात दे दी फिर तो तू ही निगरान था, फिर उनको कहना चाहिए कि फिर मैं इनके अंदर जब दोबारा आया, पहली दफ़ा तूने मुझे उठा लिया, उसके बाद जब मैं दोबारा इनके अंदर आया तो फिर मैंने देखा कि इनके अंदर तो ये अकीदा पाया जाता था, उस वक्त फिर मैंने आकर इनको मुतनब्बी किया, इनकी मैंने इस्लाह अहवाल की, फिर वो बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं फरमा रहे, तीसरे किसी ज़माने का जिक्र नहीं करते, दो ही जमानों का जिक्र फरमाते हैं, और वो जमाना एक उनकी निगरानी के जमाना, दूसरा जमाना जो अदम निगरानी का है, और उसके बीच में हद फासिल है तवफ़ी। साफ पता लगता है अगर तवफ़ी के माने आप मौत के लें तो मतलब ये हुआ कि अल्लाह मैं तो बरी जिम्मा हो गया अपनी मौत के बाद से, इनका निगरान था उस वक्त, इनमें ये अकीदे नहीं रहते, और नबी अपनी जिंदगी तक ही वो जिम्मेदार होता है अपनी कौम का, जब तूने मुझे वफात दे दी फिर मैं इनका निगरान नहीं, मैंने इन्हें कोई ऐसा अकीदा ये मसलक नहीं दिया था, नंबर एक। दूसरा मैंने अर्ज किया उठा लिया के भी माने करें,
तो फिर जो अकीदा है उसके नतीजे में अगर आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल फरमाएं और दुनिया की खराब हाली को देखें और ईसाइयों के अकीदे को देखें, तो खुदा के हुजूर एक नबी की तरफ झूठ या गलत बयानी मंसूब नहीं की जा सकती कि वो कहें कि अल्लाह ने मुझे तो पता ही कोई नहीं, खबर ही कोई नहीं, तू बेहतर जानता है, ये सारे का सारा एक नबी पर ऐसी बात मंसूब करना ये जायज़ नहीं। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया, असल माने तवफ़ी के मौत और वफात के हैं, जैसा कि खुद कुरान से साबित है। मैं लुगत की तरफ भी आ रहा हूँ, लेकिन कुरान और बुखारी ने जो ये माने किए और जो तरतीब बयान कर दी वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला का जो वादा था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, उस वादे को अल्लाह ताला ने किस रंग में पूरा किया। अल्लाह ताला फरमाता है कि वादा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ये था, व इज़ काल अल्लाहु या ईसा, और याद करो जब अल्लाह ने फरमाया ए ईसा, इन्नी मुतवफ़ी का, मैं तेरी तवफ़ी करूँगा। अल्लामा अहमद रज़ा खान साहब फरमाते हैं, मैं तुझे पूरी उम्र तक पहुँचाऊँगा। मतलब ये है कि तभी उम्र, यहाँ भी उन्होंने मुराद लिया कि लाजमन तभी उम्र से वो वफात पाएंगे, और मकसूद यही था तवफ़ी के वादे में। मकसूद ये था कि यहूदी दुश्मन अपने अकीदे के मुताबिक कि जो काट पर मारा जाए लानती होता है, झूठा साबित करना चाहते थे। अल्लाह ताला फरमाता था, ये फरमा रहा है ये कत्ल नहीं कर सकेंगे तुझे, तभी मौत से तुझे वफात आएगी। वह राफे हो कह लिया, और मैं तेरा रफा करूंगा अपनी तरफ, व मुतहरों का मैंने लजी न कफर हुआ और काफरों से बात करूंगा, ये वादे थे। वजायल लजी नत्ता बहू का, और तेरे मानने वालों को गले बदलूंगा, चार वादे थे। और ये वादे इसी तरतीब के साथ अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में पूरी फरमा दिए, पूरे फरमा दिए। चुनांचे दूसरी जगह फरमा दिया कि फआमनत ताइफतुम मिन बनी इसराइल व कफरत ताइफा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर एक गिरोह ईमान लाया और एक गिरोह ने इनकार किया। दोनों गिरोहों को बराबर रखा है दो पलड़ों में, वरना जो मौजूद अनाजील हैं वो तो बताती हूँ कि बारह हवारियों ने माना था, और वो भी बवक्ते पकड़ने के वो इनकार हो गया था, इनकार कर गए थे, और 33 साल की उम्र में गोया ये वाक़ हो गया। हालांकि हदीस दूसरी जो हदीस है उनसे ये पता लगता है, दो हदीस, एक बुखारी की हदीस और एक हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की रिवायत, जो अपने अंदर एक शहादत रखती है, आम रसल्ला वसलम ने हजरत ईसा की कब्र तक का जिक्र कर दिया। अब जो फौत ही नहीं हुआ उसकी कब्र का जिक्र कैसे होगा। फरमाया कि लानतुल्लाह अलल यहूद व नसारा, खुदा की लानत हो यहूदियों पर और ईसाइयों पर, इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाएहिम मसाजिदा, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाहें बना दी। अहले किताब यहूदियों और ईसाइयों का और नबी है कौन? ईसाई यहूदियों को तो जो मर्जी कह लो, ईसाइयों को तो एक ही नबी है जिसकी वजह से वो ईसाई कहलाते हैं। अगर वो फौत ही नहीं हुए, अगर उनकी कब्र ही नहीं बनी, तो फिर आज रसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई गैर मुहतात बात करने वाले तो नहीं थे। उनका यह फरमाना साफ पता लगता है हुजूर का अकीदा, सहाबा का अकीदा, इन तमाम बातों से कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके, उनकी कब्र बन चुकी, ढूंढना चाहिए, तलाश करना चाहिए वो कहाँ है। ना माने हम कि मिर्जा साहब की ताकीद के श्रीनगर में मल्ला खान यार में है या नहीं, मगर ढूंढनी तो चाहिए, खा वो शाम वाली कबर हो खा वो श्रीनगर वाली हो, मगर कहीं तो वो कबर है। और साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना अपनी जिंदगी में कि जिब्रील ने मुझे खबर दी कि मेरी उम्र हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से निसब होगी और उनकी उम्र 120 साल होगी, व इन्नी अरानी ज़ाहिबुन अला 60, और मैं देखता हूँ कि मैं 60 के दहाके पे जाऊँ। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशगोई फरमाई अपनी जिंदगी में मेरे आका मौला ने, और खुदा तआला ने ऐसा भरम रखा कि मैंने ही ये पेशगोई इसी तरह पूरी हुई, एक जिंदगी में बात फरमा दी कि मेरी उम्र इतनी होने वाली है और ये उम्र हजरत ईसा से निसब होने वाली है, और वो 120 साल जी चुके, जिंदा रह चुके। ये रिवायत मौजूद, और उस रिवायत को मेरे दोस्त फरमा रहे थे मुस्तलहात को। अब यहां वो बहस आ जाती है, हम कहते हैं कि मुस्तलहात को एक तरफ रख दीजिए, ये हदीस अंदरूनी शहादत मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई कि मैं 60 के दहाके पर जा रहा हूं क्योंकि मेरी उम्र हजरत ईसा से आधी होनी है जिनकी उम्र 120 साल हुई थी। तो पता लगा कि उनकी 120 साल मानेंगे तो तब रसूल की आधी उम्र होगी, क्योंकि फरमाया इन्ना ईसा बिन मरियम आशा इसरी नवा में तसरा। तो ये सारी हदीसें जो हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 12 हदीसें हजरत इब्ने अब्बास ने बुखारी शरीफ में इसी सूरह मायदा में आकर, आप देखें इमाम बुखारी कोई भी हदीस अपनी किताब में क्यों लेकर आता है उसकी तफसीर बयान करने की। किताबु तफसीर में इमाम बुखारी ये लेकर आए मुतवफ़ी का, मुमीतों का, मैं तुझे मौत देने वाला हूँ। मुतवफ़ी का माने मुनीमों का नहीं, किए अर्ज हो चुका पहले कि दो ही बुनियादी माने हो सकते थे, या मौत या नींद। नींद यहाँ नहीं है। हजरत इब्ने अब्बास ने, जिनके इल्म कुरान की दुआ आदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, उन्होंने
ये माना किए कि मैं तुझे मौत देने वाला हूँ, ये माने यकीनन उन्होंने आदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सीखे और इनको बयान किया। तवफी पहले है, रफा बाद में है, इसलिए हमारा ये ईमान है। जैसा माना हजरत इब्ने अब्बास ने किए कि मौत हो गई, उसके बाद फरमाया राफे होकर रफा बाद में हुआ, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो रफा बाद मौत के है, तमाम अंबिया का रफा इसी तरह हुआ है। अब मैं तवफी के माने लुगत की रूह से भी आपकी खिदमत में अर्ज कर दूँ। जैसा मैंने अर्ज किया था, ये अलकामूस है मेरे पास, इसमें इन्होंने ये किया तवफ़ा हो वल वफातो अल मौतो व तवफ़ा अल्लाह कबज़ रूहु, कि जब कहें कि अल्लाह ने उस रूह को वफात दे दी तो मतलब है कि उसकी रूह को कबज़ कर लिया। जो उसूल हजरत मिर्ज़ा साहब ने एक चैलेंज के तौर पर दिया है कि अल्लाह फ़ाइल रूह मफ़ूल तवफ़ी का लफ्ज़ अल्लाह मुतवफ़ी बंदा मुतवफ़ा तो माने कब्ज़ रूह के सिवा और कोई है ही नहीं।